बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त छपरा से, जहां टीचर की हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त छपरा से, अज्ञात बदमाशों ने एक टीचर को गोली मार दी है। तो लगातार इस तरह की वारदात देखने को मिल रहा है बिहार में, और इसी कड़ी में छपरा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां नया स्टेशन इलाके की ये घटना है, जहां एक टीचर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। बाइक सवार तीन बदमाशों की ये करतूत बताई जा रही है। तो तीन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाशों ने एक टीचर को गोली मार दी है। नया थाना इलाके की यह घटना है, नया स्टेशन की यह घटना है, जहां एक शिक्षक अपराधियों की गोली के शिकार हुए हैं। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तीन अज्ञात अपराधियों ने एक टीचर को गोली मार दी है। फिलहाल गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल भेजा गया है, जख्मी टीचर को। तो इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से मिल रही है, जहां एक टीचर को बदमाशों ने गोली मार दी है। खबरों के मुताबिक तीन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। एक टीचर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। तो बाइक पर सवार होकर के ये बदमाश आए थे और एक शिक्षक को गोली मार दी है। सीधे रुक करते छपरा से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए फोन लाइन पर। राकेश, क्या जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आप हमें, तीन अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मार दी है? जी रश्मि, देखिए नया गांव स्टेशन के निकट जब ये शिक्षक अशोक कुमार सिंह अपने विद्यालय जा रहे थे, तभी अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल सवार आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी और इस तरह फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। जी पुलिस का क्या कहना है राकेश? पुलिस अभी तत्काल इन मामलों की जांच में जुटी है। उसका सीधा सीधा ये कहना है कि अब प्रशिक्षक से किसी तो सूचना मिलते ही मौके पर फौरन पुलिस पहुंच गई और पूरे मामले की तहकीकात पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। राकेश, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। इस वक्त छपरा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां ट्रक और ऑटो में सीधी टक्कर हुई और इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है, चार लोग जख्मी हुए हैं। गौरा थाना इलाके में यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। बड़ी खबर मिल रही है छपरा से, जहां ट्रक और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है और इस हादसे में एक लड़की की जान चली गई, चार लोग जख्मी भी हुए हैं। तो राकेश बने हुए हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश, आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? जी देखिए, छपरा मसरख मुख्य पथ पे गौरा थाना क्षेत्र के एक हड्डी मिल के निकट हादसा हुआ है, जब एक ऑटो छपरा की ओर से गौरा जा रही थी और एक ट्रक जो है वो गौरा की ओर से छपरा जा रही थी, इसी बीच ट्रक जो है असंतुलित होकर ऑटो पे चढ़ गई, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई जो उसी की रहने वाली है और उसके साथ चार यात्री घायल है जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा गया है। राकेश, जो चार लोग जख्मी हुए उनकी हालत फिलहाल कैसी है? जी अगर पुलिस की कहे तो उनका कहना यह है कि सदर अस्पताल में वो लोग गए हैं और उनका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। जी, तो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं तमाम चार लोग जो जख्मी हुए इस हादसे में। फिलहाल सदर अस्पताल में तमाम घायलों का इलाज चल रहा है, एक लड़की की जान चली गई इस हादसे में। इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के शत्रु की किताब की। तो शत्रुघ्न सिन्हा की किताब खामोश ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। आज किताब का विमोचन लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में करेंगे। विमोचन समारोह में लालू नीतीश को न्योता भेजा गया है। खामोश खामोश खामोश, एनीथिंग बट खामोश, शॉटगन की इस किताब का दिल्ली में विमोचन होना है और पटना में बिहार बीजेपी पसोपेश में पड़ी है कि आखिर खुलासा क्या करेंगे शॉटगन। तो उसमें उस तरह की चीज़ें नज़र आए, कला के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो नज़र आए, सामाजिक जीवन में जो उन्होंने कार्य किए वो नज़र आए। अभी बसरते कि वो किसी पर कटाक्ष करता हुआ होगा तो निश्चित रूप से हम सभी बिहार के और सांसद होने के नाते हम सबको दुख होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने विमोचन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मौका पार्टी के अंदर और बाहर के मोदी विरोधियों का जमावड़ा देखेगा। किताब पर नजर जेडीयू की भी लगी है, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त
और राष्ट्र के विभिन्न आयामों के संदर्भ में और कला के क्षेत्र में उससे जुड़ा हुआ उसमें कई संस्मरण होंगे। जो नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग सांप्रदायिक व्यक्ति हैं उनको हमको लगता है कि उस किताब से अलग चीज़ होगा। हमें ऐसा लगता है कि उन कारणों से उन्होंने उनको नहीं बुलाया होगा। बिहार चुनाव से पहले से शत्रुघ्न अपनी पार्टी के लिए ही मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। इस मौके पर लालू और नीतीश दोनों को इन्विटेशन है, लेकिन सुशील कुमार मोदी लिस्ट से गायब है। इस पर भी बीजेपी के नज़रिए में फ़र्क है। वो पार्टी के बड़े नेता हैं तो पार्टी को हर तरह से पार्टी के सम्मान को भी ध्यान में रखकर जरूर देना चाहिए। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन कम से कम ये जरूर ध्यान है कि पार्टी के जो हमारे सर्वोच्च नेतृत्व है उसके सम्मान को ठेस न पहुँचे। जब अडवाणी जी और मोदी जी को बुला लिया तो पूरा पार्टी को बुला लिया, तो अब जब बिहार में करेंगे तो हम लोग जाएंगे, इसलिए उसको इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं। इंतजार है किताब के उस पहलू? निश्चित रूप से, जब इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति और इतने सीनियर व्यक्ति यदि कुछ लिखता है तो बहुत निश्चित रूप से उसका इंतजार तो स्वाभाविक ही है। शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश रहना गवारा नहीं होता, बीजेपी के लिए भी उन्हें खामोश करना आसान नहीं रहता, लेकिन ये किताब किसी को चुप करेगी या किसी की चुप्पी जरूर तोड़ेगी। ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। शत्रु के बाद अब बात आजाद की। जी हाँ, बात कर रहे हैं कृति झा आजाद की। तो डीडीसीए मामले में कथित घोटाले को प्रमुखता से उठाने वाले दरभंगा सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है। बीजेपी सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पार्टी इस बारे में आगामी 10 जनवरी को बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है। इस बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक युवक का शव मिला है, गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना नीमा चांदपुरा इलाके की है। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त बेगूसराय से, जहां एक युवक का शव बरामद किया गया है। पहली नजर में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या गला दबाकर की गई है। ये पूरा मामला है नीमा चांदपुरा इलाके का। तो नीमा चांदपुरा इलाके में एक युवक का शव बरामद हुआ है, और जो पहली नजर में देखकर प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या गला दबाकर की गई है। तो एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। फिलहाल युवक के शव की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या गला दबाकर की गई है। युवक के शव की बरामदगी नीमा चांदपुरा इलाके से हुई है। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर फिर से बता दें आपको, एक युवक की शव लाश बरामद हुई है। एक युवक की बता दें आपको, गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक के शव की बरामदगी नीमा चांदपुरा इलाके से हुई है। रुक करते बेगूसराय, जहां हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए फोन लाइन पर। युवक के शव का बरामदगी हुई है, राजीव क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, शिनाख्त हो पाई है युवक की? देखिए, अभी युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक का शव नीमा चांदपुरा के बहियार में मिला है, जहां गले में फंदा लगा हुआ था। तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि गला दबाकर युवक की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार अब तक लाश की पहचान नहीं हो पाई है। जी राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, अपडेट्स के लिए जुड़ेंगे आपके साथ। चले बढ़ते आगे। जेडीयू के बागी विधान पार्षद सम्राट चौधरी और नरेंद्र सिंह की सदस्यता पर आज सुनवाई होने वाली है। इससे पहले 4 जनवरी को सम्राट चौधरी के वकील ने सभापति से समय की मांग की थी, जबकि सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नरेंद्र सिंह के वकील को कुछ कागजात जमा कराने का निर्देश दिया गया था। आज दोनों बागी विधान पार्षदों की सदस्यता को लेकर सुनवाई होने वाली है। इधर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने के सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुआ है। इस पीआईएल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। इस मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यहां बता दें आपको कि ढुल्लू महतो साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बागमारा से जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद ढुल्लू जेवीएम के 6 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे।
झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने बीजेपी विधायक जुल्लू महतो पर से मामला वापस लेने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जुल्लू महतो के खिलाफ सारे मामले आंदोलन के दौरान दर्ज हुए हैं। जुल्लू महतो के ऊपर जो भी केसेस थे आपने देखा होगा, वो आंदोलन के केस थे। आंदोलन का केस है, राज्य सरकार ने वापस लिया, राज्य सरकार सराहनीय काम किया, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। चले बढ़ते दूसरी खबर की ओर। लालू प्रसाद यादव के IGIMS के निरीक्षण पर स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जनता ने महागठबंधन को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी है और उनका परिवार महागठबंधन का हिस्सा है, इसलिए लालू प्रसाद यादव की भी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके पिता ने हॉस्पिटल में जो परिस्थितियां देखी उस पर विचार विमर्श किया गया है और जल्द ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिताजी ने वहां गए और उन्होंने जो जो चीजें वहां देखा और उस चीज को मैं हम लोग अब डिस्कस करके उसको हम लोग कराने के लिए, बहुत जल्द कराने के लिए सोच रहे हैं। सुशील मोदी ने धान खरीद को लेकर नीतीश सरकार के ट्विटर के जरिए सवाल किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, जो धान पैदा हुआ उसकी सरकारी खरीद सुस्त पड़ी है और अगली फसल के लिए समुचित सहायता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग केंद्र को रिपोर्ट ही नहीं भेज पाया। चुनाव से पहले किसानों को रोडमैप नहीं, सपने दिखाए गए थे। साल 2016 में बिहार जेडीयू अपने संगठन को नया रूप देने की तैयारी में है। इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक का दोबारा गठन होगा। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है ताकि इस काम को 15 जनवरी तक पूरा किया जा सके। वहीं पार्टी ऐसे नेताओं की छुट्टी करने की तैयारी में है जो या तो चुनाव के दौरान सक्रिय नहीं रहे या फिर दल विरोधी गतिविधि में शामिल थे। इतना ही नहीं, पार्टी अपने जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस का भी आकलन करने में लगी हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि नई कार्यकारिणी में कई पुराने चेहरों की छुट्टी होगी और कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। हम लोग संगठन का नया स्वरूप खड़ा करना चाहते हैं। अपने बिहार में जो सफलता मिली, उस सफलता को का फायदा संगठन को भी मिलना चाहिए। और जिस ढंग से बिहार की जनता ने हम लोगों को समर्थन किया, उसमें संगठन को चुस्त दुरुस्त और रखने की ज़रूरत है, तो इसलिए इसका पुनर्गठन होगा। जिला से लेकर कार्यकारिणी तक नए पुराने चेहरे दोनों इसमें रहेंगे। जो निष्क्रिय रहे हैं, जिनका आचरण पार्टी विरोधी रहा, चाहे जो इस दल से निकल करके पुनः अब शोक कर रहे हैं कि हमने मदद किया है, काम किया है, लेकिन जिनके ऊपर हमारा रिपोर्ट है कि एंटी पार्टी गतिविधि में ये संलग्न थे, वैसे लोगों के लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। बात करते हैं बिहार कैबिनेट की बैठक की। तो बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिनमें सबसे अहम फैसला बिजली को लेकर लिया गया है। सरकार अगले 4 महीने की बिजली खरीद के लिए 1200 करोड़ रुपए NTPC को भुगतान करेगी। इसके अलावा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की राशि लाभुकों को सीधे RTGS या NEFT के जरिए उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की वैधता की तिथि में इजाफे का फैसला सरकार ने लिया है। साथ ही नौरंगिया पुलिस फायरिंग मामले पर गठित न्यायिक जांच आयोग की अवधि विस्तार करने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा राज्य में 9 चलंत मिट्टी प्रयोगशाला की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। ₹1200 करोड़ 300 करोड़ रुपए प्रति माह के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे NTPC को भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार द्वारा संचालित जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनमें जो लाभान्वितों को सब्सिडी या
या स्कॉलरशिप इत्यादि दी जाती है उसकी राशि अब सीधे RTGS या नेफ्ट NEFT के माध्यम से उनके बैंक खातों के अंदर दी जाएगी। 1 अप्रैल से राज्य सरकार की सेवाओं संवर्गों पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की वैधता की तिथि जो है वो उसमें वृद्धि की गई है। झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है, झारखंड अब जगमग होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड सरकार और ऊर्जा मंत्रालय के बीच MOU साइन हुआ है। ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर AK वर्मा और झारखंड ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव SKG रहाटे ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ झारखंड उदय योजना में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आजादी के 67 वर्ष बीतने के बावजूद भी जो गांव में बिजली अब तक नहीं पहुंच पाई है, तो 2019 तक हर गांव में बिजली पहुंचे, इसकी जो योजना ऊर्जा मंत्रालय ने बनाई है जिसमें 2016 दिसंबर तक सभी गांव में विद्युतीय कनेक्शन का काम चला जाए, तो झारखंड सरकार ने भी 2200 गांव में अभी तक हमारी विद्युतीकरण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन 2200 गांव में विद्युतीय की लाइन चली जाएगी और 2018 तक उन 2200 गांव के हर घर में बिजली पहुंचे, इस योजना के तहत झारखंड सरकार काम कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का जो 2019 में 24/7 वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2018 में ही हम कंप्लीट कर लें। 6,050 करोड़ रुपये, ये भारी भरकम रकम झारखंड सरकार कहाँ से बॉन्ड जारी करेगी, अपने से व्यवस्था करेगी, कैसे व्यवस्था करेगी? उसमें हम रिजर्व बैंक से परमिशन लेके बॉन्ड भी जारी करेंगे, लोन भी लेंगे। आखिरी सवाल, 1 साल की उपलब्धि कैसा रहा? जो जनता का खोया हुआ विश्वास था 14 वर्ष में राजनीति पर, राजनेता पर और शासन पर, तो खोया हुआ विश्वास 1 वर्ष में हमने प्राप्त किया। दूसरा, उग्रवाद की लगातार जो आप देख रहे हैं काफ़ी लोग सरेंडर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं या मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो उग्रवाद की समस्या पर भी हमने काफ़ी काबू पाया। थर्ड, जो झारखंड 29वां नंबर में था ई डूइंग बिजनेस में, वो झारखंड एक टीम वर्क के तहत आज 3रा नंबर में, और ये सर्टिफिकेट कोई भारत सरकार ने नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक ने दी। तो यानी 1 वर्ष के अंदर झारखंड बदलता हुआ झारखंड, विकास की ओर उन्मुख झारखंड, हमने ये 1 वर्ष के अंदर दी जनता को। जी मीडिया से बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिनका कहना है कि झारखंड के लोगों का सपना पूरा होगा, हर घर में रोशनी होगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। इससे पहले सीएम रघुवर दास ने पीएम मोदी से मुलाकात की और अपनी सरकार के 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश किया। खबर है कि पीएम मोदी रघुवर सरकार के 1 साल के कामकाज से संतुष्ट नजर आए, हालांकि उन्होंने विकास काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुलाकात के दौरान सीएम रघुवर दास ने प्रधानमंत्री को झारखंड आने का न्योता भी दिया है, जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब साहिबगंज में गंगा नदी पर बन रहे पुल के शिलान्यास के मौके पर झारखंड आ सकते हैं। पूर्वैया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। कोडरमा के रामलखन सिंह यादव इंटर कॉलेज के विवाद की खबर दिखाए जाने के बाद कॉलेज का नाम इंटर कॉलेज से बदलकर महाविद्यालय कर दिया गया है। दरअसल इस कॉलेज में पढ़ने वाले 5,000 छात्रों का भविष्य अंधकार में दिख रहा था और छात्रों के मन में डिग्री को लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन जी पूर्वैया पर दिखाने के बाद आनन फानन में डिग्री और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की बैठक हुई, जिसके बाद इंटर कॉलेज का नाम रामलखन सिंह महाविद्यालय कर दिया गया है। वहीं सूबे की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने इंटर और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी है। चलिए अब चौंकाने वाली खबर, ट्रेनों में चूहे यात्रियों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। हटिया हावड़ा ट्रेन में चूहों ने एक ही दिन में 4 यात्रियों को काट डाला। दरअसल
30 दिसंबर को एक यात्री पीसी सिन्हा अपनी पत्नी के साथ हटिया हावड़ा में सफर कर रहे थे। उनकी कैबिन में दो और यात्री भी थे। रात में जब सभी यात्री सो गए तभी चूहों ने एक एक कर चारों को काट लिया। हावड़ा पहुंचने के बाद पीसी सिन्हा ने इलाज कराया, लेकिन इससे नाराज पीसी सिन्हा ने रेलवे पर 10 लाख रुपए का हर्जाना ठोक दिया है। और मैंने कंप्लेन लॉज किया, उस कंप्लेन में वो मिस्टर ढांडी एज ए लेफ्टिनेंट ढांडी एज ए विटनेस साइन किए, और जो 3 पैसेंजर था उसका मैंने PNR नंबर उनको दे दिया रेलवे को, और मैंने रेलवे पर 10 लाख का क्लेम किया, 10 लाख, इसलिए कि ऐसा बेहुदा जब वो AC फर्स्ट क्लास के पैसेंजर का केयर नहीं कर सकते हैं तो व्हाट अबाउट AC थर्ड क्लास। हर तरह रेलवे कहता मैं स्वच्छता, और वो जो कंपार्टमेंट था वो तो चूहों को इनवाइट कर रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।